आपका स्वागत है हिमाचली कैंपर के एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इस ब्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे शिकारी देवी से करसोग के लिए और पहुंचेंगे कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि एक शक्तिपीठ है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो वीडियो को ना देखें, क्योंकि वीडियो में बोली गई कुछ बातें आपको विचलित कर सकती हैं। यही वह स्थान है जहाँ से पिटीशन दी गई थी इस मंदिर में चल रही भैंसा बलि को रोकने के लिए। और यहाँ के बहुत से ऐसे लोग थे जो बलि प्रथा के पक्ष में थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो बलि प्रथा को बंद करना चाहते थे। जागरण ब्लॉग में छपे हुए एक ब्लॉग के अनुसार कहते हैं कि इस मंदिर में यहाँ के गांव वाले बहुत काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने यहाँ बलि प्रथा को बंद कर रखा था और गांव वाले चाहते थे कि बलि प्रथा को कंटिन्यू करना चाहिए। उनका कहना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही देवी देवताओं की प्रथा को इस तरह से रोक देना सही नहीं है, इसका परिणाम गांव वालों को भोगना पड़ेगा। और इस ब्लॉग में यह भी बताया गया है कि उस मंदिर के पुजारी और वहां के प्रधान ने रिटर्न में ये पुलिस को दिया था कि अगर यहां भैंसे की बलि दी गई तो वह तलवार से अपनी गर्दन को काट देंगे। तो चलो चलते हैं कामाख्या देवी के मंदिर में और आज एक्सप्लोर करेंगे कामाख्या देवी की मिस्ट्री और घूमेंगे कामाख्या देवी मंदिर। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें कि हम इस तरह का कंटेंट आपको और भी कंटिन्यू लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। अभी हम जा रहे हैं शिकारी से करसोग के लिए और इस सुंदर से जंगल से होके हमें जाना पड़ेगा। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी ममलेश्वर महादेव की, तो ये वही वो सेम ट्रैक है। ममलेश्वर महादेव से कुछ दूरी पे ही वो मंदिर है। इस वीडियो के लिए मेरे को ये अलग वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि ममलेश्वर महादेव की वीडियो में अगर इसको ऐड करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि कामाख्या देवी की जो कहानी है वो थोड़ी लंबी कहानी है, इसलिए मैंने ये एक दूसरी वीडियो में इसको ऐड किया हुआ। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मोटिवेट करना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम कामाख्या देवी के मंदिर में, और यह मंदिर बिल्कुल रोड के साइड में है। और कहते हैं कि सतयुग में जब दानव महिषासुर का आतंक फैला हुआ था और उसने दानव महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान लिया था कि किसी भी देवता, मानव, दानव, पशु पक्षी और जानवर जो सृष्टि में पैदा हुए हैं उनसे किसी से भी मेरा वध न हो, तब दानव महिषासुर के भय से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए थे। महिषासुर के डर से सभी देवता हिमालय की पहाड़ियों में आकर विचार विमर्श करने लगे कि कैसे इस दानव से छुटकारा पाया जाए। उस दौरान विचार विमर्श कर रहे सभी देवताओं के मन में आक्रोश पैदा हुआ और उस आक्रोश से एक ज्वाला पैदा हुई। उस ज्वाला ने कन्या का रूप धारण किया और यही कन्या आदिशक्ति सिद्धिदात्री कामाख्या महिषासुर मर्दिनी हुई। यह कहानी दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 से 4 में आती है। इसके 107 श्लोक हैं। उस कन्या को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र, शस्त्र और वाहन इत्यादि प्रदान किए, जिसका वर्णन
दुर्गा सप्तशती में भी आता है। वह कन्या इन पहाड़ों में विचरण करने लगी। वह परम सुंदरी थी। महिषासुर के एक दूत ने जब कन्या को देखा तो उसने कन्या से कहा कि हमारे राजाधिराज दानव महिषासुर परम योद्धा हैं और अजय हैं, आप उनसे विवाह कर लो। तो माता यानी उस कन्या ने जवाब दिया, मैंने एक प्रण लिया है कि मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तब उस दानव महिषासुर का देवी महामाया के साथ इस स्थान पर युद्ध हुआ और वह मारा गया। यहाँ पहाड़ी के रूप में महिषासुर और उसकी गर्दन के रूप में मंदिर बनाया गया। वह गुफा मंदिर के साथ जहाँ माँ का भंडार भवन है उसके अंदर है, जिसे बंद कर दिया गया है। देवी महामाया द्वारा दानव महिषासुर का वध किए जाने के उपरांत उस समय सभी देवताओं ने अपने कार्य और कामनाओं को पूर्ण करने के पश्चात प्रार्थना की थी कि आदिशक्ति जगदम्बा माँ आने वाले समय कर्महीन धर्महीन और पापमय होगा। उसमें जो भी अपने इस स्थान पर आएगा उनको पाप से मुक्त करना और उनके कार्य को पूर्ण करना। उसमें माँ ने तीन रूप धारण किए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया और माता को गौरा और पार्वती के नाम से पुकारा जाने लगा। लक्ष्मी विष्णु के संग गई और महासरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी के साथ हो गया। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में हर जीव में उनका निवास हुआ। माना जाता है कि गौरा महाकाली अन्न के रूप में अन्नपूर्णा है, धन के रूप में लक्ष्मी का वास है और विद्या के रूप में सरस्वती का वास है। महामाया ने 9 रूप धारण किए। पहला रूप शैलपुत्री जो कि शिकारी माता के रूप में है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी जो कि बरमेहू पुनीपहन के पास है। तीसरा रूप चंद्रघंटा जो कि शेरी बंगलों के चटुदड़ के पास है। चतुर्थम रूप कुष्मांडा का है जो कि कांडी चलोनी दबरोड के पास है। पंचम स्कंद माता जो कि कोट कटाक्ष चुराग की पहाड़ी में है। षष्टम कात्यायनी जो कि कुन्नू गांव में विराजमान है। सप्तम कालरात्रि जो कि शमशान मंदिर जहां पर विमलेश्वर महादेव हैं जो कि शमशान भूमि है। अष्टम महागौरी जो कि ममलेश्वर महादेव के नीचे स्थित मंदिर है। और नवमी सिद्धिदात्री जो कि कामाक्षा के रूप में स्थित है। यह स्थान काव नामक गांव में है जहां देवी माँ का मंदिर है। उसका पौराणिक नाम कंचनपुरी था जिसे वर्तमान में काव या कामाक्षा नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि कामाक्षा देवी मंदिर गुफा में भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महामाया जगदम्बा कामाक्षा ने परशुराम को दर्शन दिए थे। महामाया ने तब परशुराम से कहा कि आप पंच ओंकार की स्थापना करो जिसमें दुर्गा, शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु आते हैं। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित पंच ओंकार में पहला स्थान कंचनपुरी है जो कौ गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहां सभी देवी देवता विराजमान हैं जैसे कि जगदम्बा, विष्णु, सूर्य भगवान, गणेश और शिव का मंदिर है। यहां दुर्गा के सभी स्वरूप हैं। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में माना गया है, अर्थात देवी माँ कामाक्षा के मूल मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई है जिसे द्वापर युग में पांडवों द्वारा बाहरी आकार प्रदान कर मंदिर के भवन को बनाया गया है। तो यह था देवी माँ कामाक्षा का पूरा इतिहास। और इसके साथ में एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देवी माँ कामाक्षा का यह संक्षेप इतिहास देवी माँ की कृपा दृष्टि, प्रेरणा और देवी माँ के आशीर्वाद से मंदिर के पुजारी, मंदिर कमेटी और क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन व उनसे प्राप्त जाने के आधार पर लिखा गया या बोला गया है। इस लेखन का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देवी माँ के दर्शनों के लिए यहाँ आने वाले भक्तों को संक्षेप में देवी माँ के इतिहास व चमत्कारों के बारे में अवगत करवाना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि और भूल चूक के लिए मैं क्षमा प्राप्त करूँगा।